वालेकुम जी भट्टो। बाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। कहां है नया पाकिस्तान? आपको नजर आता है नया पाकिस्तान? And my belief is la ilaha illallah, there is no god but one. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नबील गनी और आप लोग देख रहे हैं सब चलता है, और मेरे साथ कराची से वीडियो लिंक पे मौजूद हैं साद अज़र अली। जी सलाम साद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा साद भाई, आज हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स को एंड में एक बहुत ही मुनफरद बात बताना चाहेंगे जो शायद उनको ना बताओ, कोरोना वायरस से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नादरा ने अपने दफातर खोल दिए, इस मामले में आपके पास क्या खबर और क्या तजिया? जी नादरा ने दफातर अपने मंडे से खोल दिए थे, पीर से, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि हम एहसास प्रोग्राम की लोगों की जो है बायोमेट्रिक करेंगे। पहली बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग नादरा की बाहर दफ्तर के बाहर फॉलो नहीं हो रही, अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि नादरा फॉलो कर रही है। मसला ये है कि जब आप अंगूठा लगाएंगे तो दूसरा बंदा भी उसी मशीन पर अंगूठा लगाएगा। अब हमें नहीं पता कि उसका वो ख्याल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं मशीन को, जो पॉसिबल नहीं है, वो कैसे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका से पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 21,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, यानी कि मतलब ये कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे बैरून मुल्क लोग आ रहे हैं, तकरीबन जो है इस महीने 1,00,000 लोग टोटल जो हैं बैरून मुल्क से आ जाएंगे, और जिस फ्लाइटों में आ रहे हैं उन सब काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव केस 105-106 हर फ्लाइट में, 100 से ऊपर केसेस जो जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं फ्लाइट्स में। बिल्कुल। और आज एक और खबर ये है कि ताजर बरादरी ने फिर से एक डेडलाइन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 मई से वो अपने कारोबार खोल लेंगे। क्या 15 मई के बाद आप फिर कोई एक नया तसादुम देख रहे हैं या फिर एक नई डेडलाइन देख रहे हैं? जी 15 कुछ ताजरों ने कराची की कहा है कि हम 15 रमजान से, कुछ ने कहा है हम 10 मई के बाद, या 10 मई इतवार पड़ रही है, तो यानी कि तकरीबन 15-16 रोजों के आसपास जो है ताजरों का पाकिस्तान कराची में भी और लाहौर में भी मुतालबा है कि खोल दें। ज़ाहिर बात है उनको कोई SOP ऐसी नहीं मिली हुई है, ऑनलाइन बिजनेस उनका चल नहीं पा रहा, तो ज़ाहिर बात है वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर हम चाहते हैं कि हम फिज़िकल बिजनेस करें। बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते, ना घर के पर्दे ना फर्नीचर, वो आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते। जब तक आप सोफे पर बैठेंगे नहीं, आप उससे थोड़ा बहुत कूदेंगे नहीं, तो आपका पता पसंद नहीं आएगा। तो हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती, कुछ बिजनेस को इनको खोलना पड़ेगा और बैठ के गवर्नमेंट जो है बैठ के कोई एक हतमी रास्ता निकाले। अच्छा एक और खबर ये है कि दुनिया में वाहिद मुल्क ऐसा है जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत कम है लेकिन वहाँ की आबादी भी कुछ कम नहीं है, तो आप उस मुल्क का नाम बताना चाहेंगे और उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक मुल्क ऐसा है जिसमें टोटल केस 438 हुए हैं और जिसमें से 334 रिकवर हो चुके हैं और 6 टोटल 6 डेथ हो चुकी हैं। और मज़े की बात यह है कि वो मुल्क जो है वो WHO में रजिस्टर भी नहीं है, वो है ताइवान, जो चाइना कहता है कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा जजीरा है, और वो मानते हैं और वो जो है चाइना कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। ताइवान एक ऐसा मुल्क है जिसमें उन्हें सब कुछ लॉकडाउन नहीं किया हुआ है, उसके बावजूद उन्हें काबू किया हुआ है और उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको लड़ रहे हैं। और आज ताइवान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें WHO कंसिडर करें और हमसे मालूमात लें कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ताइवान को मेरे ख्याल WHO कंसिडर करना चाहिए ताकि वो अपनी उस लिस्ट में ले और उनसे मदद ले कि वो कैसे उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर इसी वक्त आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।